गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल संचूर। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले टेंथ क्लास के अंदर जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी पावर कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड। अब समझें अपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ें। अगर अपने पास किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु पर कुछ न कुछ बाह्य प्रभाव उत्पन्न करना पड़ेगा जिसके कारण वस्तु आगे किसके। तो वस्तु को दूसरे स्थान तक खिसकाने के लिए आपको उस पर जोर लगाना पड़ेगा और उस जोर को ही अपन क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल एक्चुअल में क्या करता है, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है। अब कितनी स्थिति में परिवर्तन करेगा कि बल के द्वारा जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, तो किसी वस्तु को जो बल है जिस स्थान तक भेजना है उसके अगर डिस्टेंस से अपन मल्टीप्लाई करें तो वो अपन को क्या प्राप्त करेगा, कार्य। कि किसी बल के द्वारा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब कार्य करते समय अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो कार्य करने के कुछ समय बाद में व्यक्ति क्या होता, थक जाता। अब थकने तक जितना भी कार्य किया जाएगा वो उसके अंदर क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाती। कि तब तक किया गया कार्य जब तक उसके पास कार्य करने की क्षमता बिल्कुल शून्य हो जाए अर्थात कुल किया गया कार्य क्या कहलाता है, ऊर्जा। अब देखिए किस कोई व्यक्ति एक पत्थर को 5 किलो पत्थर को 5 मीटर दूरी पर रख सकता है, कोई व्यक्ति 10 किलो पत्थर को 5 मीटर दूरी पर रख सकता है। तो देखिए इसमें किसी के कार्य 5 किलो उठा सकता है, कोई व्यक्ति 10 किलो उठा सकता है, कोई व्यक्ति 15 किलो उठा सकता है। तो इस तीनों ही कंडीशन में प्रत्येक व्यक्ति के जो कार्य करने की क्षमता है वो अलग अलग है, सबके पास पावर है वो अलग अलग है। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको अपन कहेंगे शक्ति कहते हैं। तो इस तीनों के बारे में अपन फुली डिस्क्राइब पढ़ेंगे, लेकिन अब कार्य के लिए अपन को पहले पढ़ना पड़ेगा बल। तो बल के बारे में क्या पढ़ा कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति या अवस्था को भी परिवर्तित कर सकता है, या स्थिति परिवर्तन लाता है, वो अपने पास बल कह रहा है। अब देखिए बल कैसी राशि, आप 9th क्लास के अंदर पढ़ते हैं सदिश और अदिश राशियों के बारे में, ठीक है। अदिश राशि क्या होती, जिसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। सदिश राशि वो होती जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। अगर अपन किसी पत्थर को हटाना है, ठीक है, अगर अपन बल इस दिशा में लगेंगे तो पत्थर इस दिशा में खिसकेगा, बल अगर इस दिशा में लगेंगे तो पत्थर आगे की ओर खिसकेगा। अर्थात बल कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि ये, सदिश राशि। अब इसका देखिए बल का, बल को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अपन, देखिए बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के सेकंड लॉ से, वहाँ पे देखा था कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती है। वहाँ पे F बराबर ए में आप पढ़ते हैं, यहाँ पे बल को परिभाषित किया गया था। तो इसका मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्र न्यूटन, और जिसको अपन कैपिटल एम के द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा
इसका और मात्रक होता है डाइन। ये मात्रक पद्धतियां अपन 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, कैसे बताते हैं, ये एमकेएस पद्धति या फिर ये एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति। एक सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है डाइन, डी वाई, जो 1 न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन के बराबर होता है। बल कैसी राशि, सदिश राशि। अगर बल अपन इस दिशा में लगा रहे हैं तो ये आगे की ओर खिसकेगा, बल अगर इस डायरेक्शन में लगेंगे तो पत्थर इस तरफ खिसकेगा, ये सदिश राशि। अब देखिए कार्य को समझने के लिए ये बताते हैं, कार्य को समझे बल के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छी चीज है। अब कार्य बात किए जाए कि एक वस्तु को अपन को खिसकाना है, जिस दिशा में खिसकाना है उसी की दिशा के अनुदिश आपको बल लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखें कि अगर मेरे को ये मान ले सपोज करे पत्थर है, अगर मैं बल इस दिशा में लगा रहा हूँ तो भी पत्थर ऐसे खिसकेगा। अब देखा है कि बल के अगर अपन सदिश राशि है तो क्रिया रेखा परिवर्तित करके देखा जाए, अगर मैं बल इस दिशा में लगाऊं तो भी वस्तु आगे की ओर खिसक रही, लेकिन जो पहले खिसक रही थी उतनी अब नहीं खिसक रही। अर्थात क्या होगा कि ये जो बल लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन का कुछ पार्ट है, अर्थात उसके परिमाण का कुछ पार्ट है वो इसको आगे की तरफ खिसका रहा है, और कुछ पार्ट उसके अंदर खत्म हो रहा है। अर्थात किस रूप में हो सकता है, जैसे वस्तु पड़ी है तो जड़त्व के कारण कुछ उसके सरफेस पर घर्षण के कारण वो वस्तु गति का विरोध भी करती है, ठीक। अब देखें कि बल जो कार्य है वो अपने पास दर्शाया जाता है बल इंटू विस्थापन। किसी वस्तु को कुछ बल द्वारा या कुछ बल लगाकर विस्थापित करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, या फिर बल तथा विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, कार्य। देन W बराबर क्या आ जाएगा, बल को F और विस्थापन को S, W बराबर F S। ये कब, सपोज किया अपने पास ये सरफेस है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पत्थर है, यहाँ पे अपन ने कोई बल लगाया और ये यहाँ से विस्थापित कितना S हुआ और इसकी नई पोजीशन क्या है ये, तब इसमें किया गया कार्य W बराबर F इंटू S। लेकिन अब अपन इसकी क्रिया रेखा को परिवर्तित करें, अब ये क्रिया रेखा है वो विस्थापन के अनुदिश है। आप देखेंगे कि अगर इस पत्थर को अपन देखें ऐसे खिसका है तो खिसक रखा था, अगर इसको अपन क्रिया रेखा को चेंज करें ऐसे तो जो पहले खिसक रहा उतना नहीं खिसकेगा। अगर मैं इस प्रकार बल लगा तो वो वस्तु उसी जगह स्थिर रहेगी, अपन बल लगा रहे हैं लेकिन कोई कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है, कार्य तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक विस्थापित वस्तु नहीं होगी, ठीक है। हमेशा कार्य विस्थापन के अनुदिश लगने वाले बल के कारण ही होगा, बाकी के कारण चाहिए। अब अपन देखें कि इसके साथ में कुछ खोल बनाता हूं, ये सरफेस है, इस पर कोई ये वस्तु है, इसको इस दिशा में विस्थापित करना है, मानते इसकी डायरेक्शन क्या है इस प्रकार से, और जो बल लग रहा है वो जैसे घोड़ा गाड़ी है, इसको इस दिशा में इस रास्ते जाना है, लेकिन जो घोड़े से जो रस्सी बांध रखी है वो कुछ इस प्रकार की, तो बल वो इस डायरेक्शन में हो, एफ की डायरेक्शन में। ये विस्थापन भी सदिश राशि, दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, मान लेते हैं थीटा कोण पर वो। अब
ये बल है, ये विस्थापन है, अब ये थीटा कोण, तो बल का कुछ पार्ट होगा वो विस्थापन की दिशा में होगा, कुछ पार्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसको घटकों में विभाजित करूं तो ये हमेशा क्या होगा, देखा जाए F का ये घटक, ये घटक ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या करते हो, ये कोण के सामने वाला लंब और ये क्या होता है आधा और ये क्या होता है कर्ण, अब समझने के लिए ठीक है अभी मैं इधर समझा देता हूँ। ये बल F, ये विस्थापन S, सपोज करें लंब आधार एंड कर्ण, तो ये आधार का घटक ज्ञात करना है, तो आधार अपॉन कर्ण, आपको पता है L A L अपॉन K A, ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री को याद करने का फॉर्मूला है, तो आधार अपॉन कर्ण, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, टेन होता है, उल्टा ये टेन, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है, तो आधार अपॉन कर्ण क्या होगा कॉस थीटा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा के कॉस थीटा, तो के क्या है यहाँ पे पल, तो आधार वाला घटक यहाँ पे इसका देखा जाए तो वो कौन सा होगा एफ कॉस थीटा, और इस दिशा का घटक क्या होगा एफ साइन, तो बल के इस घटक के कारण कोई कार्य प्राप्त नहीं होगा, कौन सा हमेशा विस्थापन के अनुदिश वाले घटक के कारण कार्य प्राप्त होता है। तो यहाँ से समझे अपन, इसको मिटा दिया जाए, तो यहाँ अपन क्या ले सकते हैं कार्य W, कार्य बराबर मैं लिख सकता हूँ F cos थीटा इंटू S, या फिर W बराबर क्या ले सकते हैं F S cos थीटा, F S cos थीटा। अब यहाँ पे मैं कुछ अलग से समझाना चाहता हूँ, ये cos थीटा एक चीज़, जब सदिश और अदिश राशि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे गुणनफल के बारे में भी बात करते हैं, एक अदिश गुणनफल होता है, दूसरा सदिश गुणनफल आता है। सदिश गुणनफल क्या होता है, जब दो सदिश राशियों को गुणा करने पर प्राप्त राशि भी कैसी हो, सदिश राशि हो, तो ऐसे गुणनफल को कहते हैं अपन सदिश गुणनफल। लेकिन जब दो सदिश राशियों को गुणा करने पर प्राप्त राशि अदिश हो तो ऐसे को कहते हैं अपन अदिश गुणनफल। तो यहाँ पे बात करें एक अदिश गुणनफल और एक होगा सदिश, अदिश को कहते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, एंड सदिश को बोलते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन के। यहाँ पे सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा का एकांक सदिश भी आता ठीक, ये अपने पास कॉस थीटा। तो ये किस प्रकार एक कार्य कैसे, कॉस आया क्या है कॉस, मतलब अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल तभी होगा जब कार्य कैसी हो अदिश राशि हो, तो अपन लिख सकते हैं W बराबर एफ डॉट S। तो यहाँ से कार्य की एक परिभाषा और आ सकती है कि बल सदिश तथा, बल सदिश तथा विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल को अपन क्या कहते हैं कार्य कहते हैं। तो ये जो अपन को W बराबर एफ एस या एफ एस कॉस थीटा, ये अपने पास एक रामबाण की तरह ये करना है और याद भी रखना है, हमेशा क्रिया रेखा के साथ में कोण जीरो है, तो आप लोग आप बताते क्या क्या स्थितियां भी होंगी। पहले अपन इसके कार्य के मात्र एवं और बात करेंगे, सब पहला देखें अपन कैसी राशि है, आपको पता लग गया अदिश गुणनफल तो अदिश राशि, फिर मात्रक की बात करें, अगर SI और MPS पद्धति में देखें तो इसका मात्रक होगा जूल, जिसको कैपिटल J के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर CGS पद्धति में देखें
ये आर सीरीज एम के एस पे और देखे तो ये क्या है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। हाँ, के बल न्यूटन और इसका मीटर। सीरीज पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्घ, ठीक। अब सीजीएस और इस अर्घ और जूल में क्या संबंध होता है कि एक जूल बराबर होता है 10^7 अर्घ, ठीक। ये भी आपको याद रखना। अब अपन इसकी तीनों पोजीशंस के बारे में बात करें। कि अपने पास सूत्र क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में सूत्र ये आया है कि W बराबर F S cos थीटा, ये आपको याद रखना हमेशा के लिए, चाहे तीसरा कुछ भी, ठीक। तो स्थिति ये हो सकती है पहले कि यदि बल विस्थापन के अनुदिश हो, लाइक दिस, कि अपने पास यहाँ पे ये अगर वस्तु को हटाना है, अगर विस्थापन की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे लगने वाला बल भी इसी डायरेक्शन में हो, तब इस दोनों के बीच एंगल कितना हो, 0° और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम और 1, एंड W इज इक्वल टू एफ एस cos 0° एंड W बराबर एफ एस, और इसको अपन W मैक्सिमम कहेंगे, और ये धनात्मक कार्य होगा, कैसा होगा, धनात्मक कार्य, विस्थापन के अनुदिश बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। अब इसका एग्जांपल देखें किस प्रकार से, कि अगर कोई स्वतंत्र आकाश के अंदर मान लेते हैं एम द्रव्यमान की वस्तु को छोड़ा जाता है, तो कितनी ऊंचाई से मान लेते हैं एच ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी के कारण किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य, तो आपको पता है कार्य यहाँ पे देखा जाए तो विस्थापन वस्तु इसी दिशा में आ रही, गुरुत्वाकर्षण बल भी इसी दिशा में आ रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी उसके भार के एम जी, तो कार्य W बराबर एफ इंटू ऊंचाई एच, तो W बराबर कितना होगा एम जी एच, और ये कैसा है पॉजिटिव कार्य, कैसा है पॉजिटिव कार्य। अब अपन नेक्स्ट इसकी पोजीशन है, यदि बल विस्थापन के विपरीत, कैसा विपरीत कार्य, विपरीत का मतलब अगर अपने पास ये कोई वस्तु है विस्थापित इस दिशा में करना है लेकिन बल अपन उसको विपरीत दिशा में, जैसे वस्तु को ऐसे ले जाना है लेकिन बल अपन ऐसे लगा रहे हैं, तो वस्तु किस प्रकार जाएगी, ऐसे इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एक सरल रेखा तो थीटा इज इक्वल टू 180 और कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, देन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, देन W बराबर माइनस का एफ एस, और ये कहलाता है ऋणात्मक कार्य, क्योंकि कार्य अपन को प्राप्ति नहीं हो, कार्य अपन को तभी पॉजिटिव का जब विस्थापन की दिशा में बल लगे। इसका एग्जांपल देखें, सपोज करें इसी चीज को कि कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है और उसको पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर एच ऊंचाई पर ले जाना है यहाँ पे, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत किया गया कार्य कितना हो, विपरीत किया गया कार्य, वहां पे वस्तु को इसी दिशा में लाया जा रहा है
अब वस्तु को अपन ऐसे ले जा रहे हैं, एस विस्थापन की डायरेक्शन में ही है, लेकिन बल कैसे लग रहेगा, एफ जी, इस प्रकार से दोनों के बीच एंगल कितना होगा 180, एंड अपने पास डब्ल्यू बराबर एफ एस माइनस का है, टेन डब्ल्यू माइनस का एम जी इन टू एच। ये चीज़ें समझ में आए? अब इसका थर्ड पार्ट जब लंबवत हो उसको अपन अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आज का वीडियो इतना रहेगा, 20 मिनट के करीब बनेगा, तो अगले वाले लेक्चर के अंदर इसके थर्ड पोजीशन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।